जो स्टार्ट होनी है। अच्छा, कल जो मैंने पढ़ाया था वो याद है सब? कल क्या पढ़ाया था? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो क्या है भैया? पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो, तो एक ऐसी रिएक्शन जो रिएक्शन होने के बाद उसमें क्या निकले? ऊष्मा निकले। नहीं, बात समझ? कैसे? यहाँ पर देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप को मतलब बाद में अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा अथवा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। हरी बात समझ में? जैसे उदाहरण ले लो, ये उदाहरण क्या लोगे? देखते हैं ये उदाहरण में, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है या गैस निकलती है? गैस निकलती है और इसके साथ ऊष्मा भी निकलती है। देखो, जब हम कार्बन को वायु के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या निकलता है आपका? ऊष्मा भी निकलती है। देखो, कार्बन क्या है आपका? सी, ठीक है, बिट पहले समझो। और ऑक्सीजन क्या है आपका? ओ टू, यानी वायु, ठीक है। और जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन कराई भैया, CO2, एक मिनट रुकना, एक मिनट, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो, कार्बन हो गया, ये तो आपका क्या हो गया भैया? आपका कार्बन, ये क्या है आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सी गैस निकलती है आपकी? कार्बन डाइ ऑक्साइड। और प्लस में आपकी एनर्जी जो निकली वो निकली 98.3 किलो कैलोरी। कैलोरी ये क्या निकली आपकी? ऊष्मा, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसका नाम लिख दो चाहे, कार्बन डाइ ऑक्साइड। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल समझो। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एग्जाम्पल दूसरा क्या है आपका? देखो, मैंने क्या लिया भैया आपको? यहाँ पे लिया आपका क्या लेते हैं भैया? आपका CaO। क्या बताया था इसका नाम? बिना बुझा चूना, ठीक है। उसकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ? जल के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करवाई। अब यहाँ पर देखना, ये एग्जाम्पल तुम घर पे भी कर सकते हो। कली देखी, कली कली लेना, इतनी सारी कली लेना, उन्हें पानी में डाल लेना, जल के साथ रिएक्शन करवाई, तो आपका क्या बनता है? बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। क्या नाम है भैया? बुझा हुआ चूना। अच्छा, प्लस में क्या निकलेगी? ऊष्मा। क्या निकलेगी प्लस में? ऊष्मा। देखो, आप एक गिलास लेना, ठीक है, उसमें क्या लेना? कली, कली में पानी डालना, उसे कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं, वो गिलास इतना गर्म हो जाएगा कि आपका हाथ जला देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल नोट करते हैं यहाँ पे। एक हमने लिया भैया, क्या देखो, एग्जाम्पल एक ही दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ केवल। फिर भी ये रिएक्शन समझ में आई? एक लिया हमने C6H12O6। किसका फॉर्मूला बता सकते हो? ग्लूकोस, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने O2 के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बना आपका कार्बन डाई ऑक्साइड, प्लस बनता आपका जल, क्या बनता? और प्लस में आपकी क्या निकली भैया? ऊष्मा, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन संतुलित करवाओ।
सी कितने यहाँ पे? छः, तो यहाँ पर भी गुणा कर दूँ छः, ठीक है। एच कितने यहाँ पे? बारह, यहाँ पर कितने? दो, दो की किससे गुणा करूँगी बारह जावे? आपको कह भैया छः से, छः दुनी बारह। अब वो देखते, देखो सी यहाँ पर कितने? छः, यहाँ पर भी सी कितने हो गए? छः। एच हो गए छः दुनी बारह, यहाँ पर भी कितने? बारह। ओ आपके यहाँ पर कितने हैं? छः। और ये और हैं आपके, पहले यहाँ पर देख लो, छः दुनी बारह और छः कितने हो गए? अट्ठारह। अट्ठारह में छः निकालना कितने बचे? अट्ठारह में छः कितने बचे? बारह। अब बारह बनाने के लिए दो में से कितनी गुणा करूँ कि बारह बन जाए? तुम कहोगे कितने से? छः से, छः दुनी बारह। आई बात समझ में? नोट करो जल्दी इसको। यहाँ पर देखो भाई, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति के लिए उष्मा का शोषण होता है, ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगर मैं सीधी बात बताऊं तो यहाँ पर देखो, सीधा एग्जांपल क्या बताते हैं हम? चाय की पत्ती, दूध, पानी, अदरक और जो तुम्हें डालना है वो, ठीक है, ये सब डालकर इसमें रख लो और गरम मत करो। बताओ चाय बन जाएगी क्या? बन जाएगी भाई चाय? हमने सारा सामान डाल दिया इसके अंदर, अदरक डाल दिया, चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, पानी डाल दिया, और सब चीज़ डालने के बाद बस एक काम नहीं करा, इसको गर्म नहीं करा, बन जाएगी चाय? नहीं बनेगी। तो सारी बात क्या है, मेन चीज़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है भैया? उष्मा शोषी, देसी भाषा में बताऊँ तो बेरसायनिक वो रासायनिक अभिक्रिया जिसे कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। नहीं बात समझ में? उष्मा शोषी, या जिसे कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, या फिर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में कुछ उष्मा का शोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता? नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्साइड बनता। एक मिनट रुक जाओ, उदाहरण समझो, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, और भैया उष्मा वातावरण से अवशोषित हो जाती है। यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन का फॉर्मूला भैया N2 बेटे N2, ठीक है, ऑक्सीजन क्या लिया हमने? O2, ठीक है, और रिएक्शन हमने करवा दी। स्थिर का मतलब बता सकते हो? कल पढ़ाया था, बताओ। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया में लगता है या उत्क्रमणीय अभिक्रिया में लगता है? ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है आपका? NO, ठीक है, यहाँ पर भी ये भी दो हैं, ये भी दो हैं, तो दो कहाँ लगेगा? यहाँ पर, ठीक है। कितनी एनर्जी इसमें लगी भैया? तो भैया माइनस के 45 किलो कैलोरी। आई बात समझ में? नहीं आई। क्लियर है इतनी बात? नोट करो इसको। यहाँ पर देखो, अब कौन सी रिएक्शन आएगी भैया आपकी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग हो तथा या सॉरी अथवा हाइड्रोजन का क्या हो? ह्रास हो, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर शॉर्ट कट समझो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता क्या है? शॉर्टकट बता रहा हूँ, दो चीज़ होती है, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग होता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बाहर निकलती है, बाहर हो जाती है। ऐसा लिखो, ऑक्सीजन का तो क्या होता है? योग, और हाइड्रोजन का क्या हो जाता? बाहर हो जाती है, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, हाइड्रोजन अलग
हो जाती। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन भी हो सकती है या फिर दोनों कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, जैसे मैंने लिया CU कॉपर, ऑक्सीजन की हमने रिएक्शन करवाई इसके साथ, ठीक है, हमारा बन गया CuO। क्या बना? CuO। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं बना पता? क्योंकि मैंने पहले दिन पढ़ाया था CU के ऊपर कितने प्लस, दो या एक? एक। और जब एक प्लस है तो एक ही ओ आपका यहाँ पर आना होगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब यहाँ पर समझो क्या करते हैं भैया, ये बन गया आपका इस प्रकार से, ओ दो हो गए, CU इस प्रकार से दो हो गए, तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया मैंने? दो। देखो ये ऑक्सीजन इसके साथ योग हुआ है नहीं हो गया? योग का मतलब जुड़ना, इसके साथ जुड़ गया नहीं जुड़ गया? ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया आपका? योग हो गया। ठीक है भाई, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो अब चयन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो इस बार? ह्रास हो, और हाइड्रोजन का क्या हो? योग हो। मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या थी, एक मिनट रुकना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या थी कि भैया जिसका जो नाम है उसमें वो योग हो रहा है। ठीक है, पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ाई, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग। जो अपचयन है तो इसमें किसका योग होना चाहिए? हाइड्रोजन का। नहीं बात समझ? ये अपचयन अभिक्रिया है तो इसमें किसका योग होना चाहिए? हाइड्रोजन का। तो ह्रास किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का। वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो उसमें ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? योग। और ह्रास किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन का। क्लियर इतनी बात? ठीक है, रिएक्शन समझो, इसमें क्या करते हैं हम, कॉपर ऑक्साइड हमने लिया, ठीक है, उसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन से करवाई। ठीक है भाई, देखते क्या बनता, हमारा क्या बन गया यहाँ से CU हो गया अलग, और यहाँ से क्या बन गया आपका H2O। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, मतलब इसका ह्रास हो गया, और ये कौन सी अभिक्रिया हो गई भैया? अपचयन अभिक्रिया। ये हो जाता, क्या नाम है इसका? कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है आपका? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसका नाम तो पता ही होगा आपको, क्या है? जल। और ये क्या अभी आपका? कॉपर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, H2S, हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद क्या लिया हमने भैया इसमें? VR, ठीक है, ब्रोमीन, या फिर VR2 लिया हमने। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ भैया? ऐसा आपका क्या हो गया? अलग, यानी क्या हो गया आपका? ये सल्फर। ठीक है, उसके बाद ये दोनों बन गए क्या आपका? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। दो यहाँ पर लगाना, यहाँ पर बताओ, आई बात समझ में? समझ में आया इतना? जो तो कैसे ले क्लास कर सकते हैं? ऑक्सीजन में क्या करना? ऑक्सीजन अभिक्रिया में, यानी ऑक्सीकरण में क्या करते हैं? ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा भैया? आई बात समझ में? रिएक्शन समझ में आ गई? नोट कर सकते हैं? समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।